बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू टेक्निकल शीज़ा। मेरा नाम है सोनिया और आज हम अपनी कैपकट की नेक्स्ट क्लास की तरफ जा रहे हैं और ये हमारी कैपकट की कुछ लास्ट क्लासेस हैं, तो इन सबको आपने ध्यान से देखना क्योंकि ये काफ़ी स्पेशल होने वाली है। हम अब अपनी वीडियो ऑन करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और अपने नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास चार ऑप्शन रह गए हैं, बिल्कुल आसान है, कुछ इनमें डिफिकल्ट नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा फ्रीज का है। फ्रीज क्या होता है कि हर आपको एप्लीकेशन में ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये देखिए, ये वीडियो चल रही है ना, हम इस वीडियो को यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, इससे आपको आइडिया नहीं लगेगा इस वीडियो से शायद, तो ये ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर एक वीडियो है, ये देखिए सब बच्चे डांस कर रहे हैं ना, लेकिन अब मुझे इसकी एक तस्वीर लेनी है या मुझे इसको यहाँ पे रोक देना है, तो मैं फ्रीज का जब बटन क्लिक करूंगी तो ये देखिए इसकी तस्वीर आ जाएगी। और अब मेरी मर्जी, मैं इस तस्वीर को जितना मर्जी बड़ा या जितना छोटा लेंथ में इसको कर सकती हूँ। ये होता है हमारा फ्रीज का ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास वॉइस इफेक्ट। अच्छा, ये मैंने आपको सिखा दिया था कि यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये ऑडियो की क्लास देखोगे ना आप तो उसमें भी होगा, जब आप इसको ट्राई करोगे तो आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस नॉइस। रिड्यूस नॉइस में ये होता है कि आप जब बात कर रहे होते हो ना, या आप कोई इस्लामिक वीडियो बना रहे हो और पीछे पंखे की आवाज चल रही है, जैसे कि अभी मेरे पीछे पंखे की आवाज चल रही है, तो अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके इसको रिड्यूस नॉइस को मैं ऑन कर दूंगी, ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसा करते हैं, कोई बोलने वाली वीडियो ले लेते हैं। ये वाली पर इसके पीछे भी हमें शोर नहीं मिल रहा। कोई हो ना, किसी जगह पे शोर हो, पीछे से खड़खड़ की आवाज आ रही हो या अलग अलग आवाजें आ रही हो, तो ये उन सब वॉइसेस को कैंसिल कर देते हैं। इसमें शायद थोड़ी पंखे की आवाज आ रही होगी, जैसे हम इसके ऊपर नॉइज रिडक्शन अप्लाई करेंगे ना तो पंखे की आवाज चली जाएगी, ठीक है। इस तरह कोई भी अगर पीछे कंस्ट्रक्शन की आवाज या कोई भी आवाज आ रही है तो वो उसी टाइम पे चली जाएगी जैसे आप नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन जो है ना उसको ऑन करोगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बीट का ऑप्शन है। बीट का ऑप्शन ना आपके लिए काम का नहीं है क्योंकि आपका इस्लामिक कंटेंट है और आपने म्यूजिक यूज करना नहीं है। बीट क्या होती है मैं आपको समझा देती हूँ कि हर एक म्यूजिक की एक बीट होती है, एक पॉइंट होता है जहां पर आप उसको लगा के एडिटिंग करते हो। ये होता है ज्यादातर म्यूजिक वीडियो में, लिपसिंग वीडियो में, डांस वीडियो में, ये जो है ना ये बीट काम आती है। जब ये जिस जगह पे लगी होती है ना उस जगह पे आपको कैमरे का एंगल चेंज करना होता है। वैसे ये बीट जो है ना हम लोग मैन्युअली लगाते थे, यानी खुद से लगाते थे, जैसे कि ये देखिए एड बीट, यहाँ पर मैं बीट लगा दूंगी कि यहाँ यहाँ इस गाने की बीट है। ये देखिए एक येलो सा निशान बनता जा रहा है, येलो सा एक निशान बनता जा रहा है, ये मतलब कि बीट मैंने यहाँ पर आके कैमरे को चेंज कर देना है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक बीट भी ऐड कर सकती हूँ, ये गाने को एनालाइज करके ऑटोमेटिकली इसमें बीट ऐड कर देगा। लेकिन अगेन ये गानों के ऊपर अप्लाई होगा, ये आपके कंटेंट से बीट का कोई अभी तक ताल्लुक नहीं है, इन फ्यूचर भी नहीं होगा इस्लामिक कंटेंट के हवाले से। और हमारी वीडियो की जितनी भी चीजें थी ना वो हमने कर ली हुई है कि वीडियो के बारे में हमने जो जो सीखना था वो सारा कुछ सीख चुके हुए हैं। अब हम एक दो चीजों के ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद हमारा जो कैपकट का कोर्स है ना वो कंप्लीट है। इसके बाद हम एक दो प्रो वीडियोस बना लेंगे, बाकी हमारा कैपकट का कोर्स जो है ना यहाँ पर डन है। यहाँ पर जैसे मैं सब कुछ डिसलेक्ट करती हूँ ना तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आता है, एडिट हमारा हो गया, ऑडियो हमारा हो चुका हुआ है, ओवरले मैंने आपको समझा दिया है, टेक्स्ट चले मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी अगर मैंने नहीं समझाया तो, ठीक है। आज हम बाकी के देख लेते हैं जो जो हमने नहीं समझे। इफेक्ट्स हमने नहीं समझे अभी तक, एस्पेक्ट रेशियो हम समझ चुके हैं, फिल्टर हम समझ चुके हैं, एडजस्ट भी मैंने आपको समझा दिया है, स्टीकर नहीं समझा और बैकग्राउंड नहीं समझा, तो आज हम इफेक्ट्स, स्टीकर्स और बैकग्राउंड कर लेंगे। क्योंकि पहले अभी तक मैंने जो आपको 9 मिनट में चीजें सिखाई है ना वो आपके कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, वो आपको उनको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम ये तीन चीजें सीख लेते हैं, उसके बाद हमारा रह जाएगा इकलौता टेक्स्ट, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगी और हमारा कैपकट का कोर्स हो जाएगा 100% कंप्लीट। इफेक्ट्स, इफेक्ट्स क्या होता है कि इफेक्ट्स में मैंने ये भी मैंने आपको सिखाया था कि तीन तरह के इफेक्ट्स हमारे पास होते हैं, वीडियो इफेक्ट, बॉडी इफेक्ट और फोटो इफेक्ट। आप इसके इसके अंदर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन आप बाहर भी वीडियो इफेक्ट लगा सकते हैं,
जैसे कि ये देखें, जैसे कि ये इफेक्ट है, ये देखिए ये वीडियो ऐसी है ना, हम इसकी वॉइस बंद कर लेते हैं जरा, ये वीडियो सीधी सीधी है ना, ये वीडियो ले लेते हैं, ये वीडियो सीधी सीधी है, जैसे इफेक्ट के ऊपर जाएगी तो इसके ऊपर एक इफेक्ट लग जाएगा और ये काफी ज्यादा वीडियोस बन जाएंगी। तो ये एक काफी अच्छा लुक देता है। बाकी जो मैंने आपको बॉडी इफेक्ट और फोटो इफेक्ट ये समझाया था ना, ये सेम एज इट इज है, जो कि मैंने आपको वो चलने वाला भी इफेक्ट जो है वो समझा दिया था कि कैसे आप चला सकते हैं उसको। इसके अलावा यहाँ पर आप एनिमेशन वगैरह बना सकते हैं, और यहाँ पर एक और चीज काफी अच्छी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक और इफेक्ट है कॉस्मिक इफेक्ट, ये भी काफी अच्छा लगता है और जबरदस्त लगता है सामने वाले की वीडियो में। ये देखें इस तरह से ये लगता है, ठीक है। इससे भी एडिटिंग काफी अच्छी हो जाती है और काफी स्मूथ लगती है। एक हमारा इफेक्ट रह गया था, नेक्स्ट जो है वो एडजस्ट, हाँ कलर्स वगैरह है वो मैंने आपको बता दिए हुए थे, और स्टिकर्स, स्टिकर आप यहाँ पर कहीं पे भी लगा सकते हैं, स्टिकर में अनलिमिटेड आपके पास चीजें हैं। किसी का आपने फेस छुपाना हो उसके फेस पे जाके स्टिकर रख दो। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये भी है, कोई आप चाहते हो कि ये लड़की है या इसको मैं छुपाना चाहता हूँ तो इसका ऐसे करके फेस लगा दो। इस तरह से करके आप कोई भी स्टिकर यूज कर सकते हो। पर्सनली मैं तो इतने स्टिकर यूज नहीं करती हूँ, लेकिन आप चाहो तो आपकी वीडियो में कर सकते हो, क्योंकि आपका कंटेंट रिक्वायर करता है, क्योंकि इस्लामिक कंटेंट में आप लाजिम है कि कोई भी आजकल की दुनिया में समझे जाने वाला नॉर्मल जो होगा ना, नॉर्मल बात, जैसे कि लड़की का पैंट शर्ट पहन के आना या दूसरी चीजें पहन के आना, ये आजकल नॉर्मल है, लेकिन इस्लामिक वीडियो में आप ये नहीं दिखा सकते। तो ऐसी वीडियो के अंदर आपको ये स्टिकर बहुत काम आने वाले हैं। आप सीधा जाके कोई भी अगर ऐसी चीज है जो आपने वीडियो में नहीं दिखा सकते उसके ऊपर जाके स्टिकर रख दो। स्टिकर यहाँ पे अनलिमिटेड है आपके पास, आप वैसे भी अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो। बर्थडे स्टिकर है ये, इसको आप बैठ के एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन कौन से आपको स्टिकर जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है, और आप इन सबको यूज कर सकते हो फ्री में। मैं आपको बैकग्राउंड और टेक्स्ट जो है ना वो एक साथ इंशाल्लाह कल सिखा दूंगी, ठीक है? चलिए ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, मैं फिर अभी जा रही हूँ।